तो ग्राफ का क्वेश्चन है, कैसे बनाते हैं सिंपल तरीके से ग्राफ वो बताते हैं। तो पहला काम है जो आपको एक्स और वाई में जो इजी लगे, जो छोटा है ना वो रखो यहाँ पर, बड़ा नंबर उसको उधर भेज दो। ये 2 है और ये 5 है, ये 2 है और ये 5 है, छोटा नंबर ये है तो इसको आगे रखो, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो। तो जो माइनस का है वो हो जाएगा आपके प्लस का, और जो प्लस का है वो हो जाएगा आपके माइनस का। अब हमें बनानी है इसके लिए एक टेबल जिससे हम ग्राफ बनाएंगे। वैसे 2 से काम चल जाता है, फिर भी कम से कम कितने बना दो, 3 बना दो, 2 से भी काम बन जाता है ग्राफ, 2 से भी बन जाता है, 2 बनाओ तो भी आपका राइट हो जाएगा, 14 3 बना दो जगह हो आपके पास। तो अब करना क्या है, ये है गुणा, तो ये हो जाएगा भाग में, यहाँ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 4 बटा 2। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है, पहला नंबर ऐसा सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ऐसा नंबर लेना है कि यहाँ पर इनको हल करने के बाद 2 का भाग जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, मान लो 0 ले लिया, क्या ले लिया मैंने, 0 लूँगा तो ये नंबर हट जाएगा और 4 में 2 का भाग आराम से जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर 0 ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर जहाँ वाई था ना वहाँ मैंने क्या लिया, 0, ऐसा लिखे यहाँ पर, माना कि मैंने वाई का मान क्या ले लिया है, 0 ले लिया, तो यहाँ पर मैंने 0 ले लिया। अब क्या होगा, एक्स बराबर 5 और यहाँ मैंने ले लिया है 0 माइनस 4 बटा 2, जहाँ वाई था मैंने 0 लिया, तो कितना आया, ये 0 बन गया है, तो माइनस 4 बटा 2 ये आ जाएगा, माइनस के 4 बटा 2 इसमें इसका भाग है कितनी बार जाएगा, माइनस 2 बार जाएगा। तो मैंने 0 लिया और उत्तर कितना आया आपके, माइनस का 2 आया। अब बाकी वाले जो मान है हम ऐसे मान लें, एक x इधर होना चाहिए और y उधर होना चाहिए, इस लाइन पर ध्यान देना, x का मान y को देखकर बढ़ेगा या घटेगा। तो x का मान क्या होगा, y के पास क्या दे रखा है, प्लस का 5 दे रखा है, तो 5 बढ़ेगा, तो बढ़ाओ 5 देखो, x का मान 5 बढ़ेगा, तो बढ़ाओ 5, 2 और 5 कितने होते हैं, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 5 है, तो कितना होगा, प्लस का 3 होगा, फिर और 5 बढ़ाए कितना आएगा, 8 आएगा। इधर y का मान x को देखकर, x के पास क्या है, प्लस का 2 है, तो 2 बढ़ेगा, 2 4 ऐसे, तो ये हमने पहले ही हमने बना रखा है कि ऐसा होगा। अब आप चाहो ऐसे लिखना है, क्या लिखोगे यहाँ पर, माना मैंने y का मान का क्या मान लिया है, 2 मान लिया, इस पहले 0 लिया था, अब 2 लेंगे और फिर 4 लेंगे, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते हो मैंने किस कितना बढ़ाया कितना घटाया, तो ऐसे कर लो, यहाँ मैंने क्या लिया है, 0, अब भाग में कितना है, 2 है, तो आपको 2 बढ़ाना, तो आपको पहले 0 लिया था, अब 0 और 2, ये 2 जो संख्या भाग में है ना उसके हिसाब से बढ़ाना है। अब वापस लिखेंगे x का मान 5 का 5, जहाँ मैंने 0 लिया था पहली, इस बार हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने 2 ले लिया, बटा 2, 5 × 10 माइनस 4 बटा 2, 6 बटा 2 बराबर क्या आया, प्लस का 3, ये जो प्लस का 3 आया, नहीं भी आता हमें पहले तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर से, अब देखो यहाँ 2 है और भाग में भी 2 है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, ऐसा लिखेंगे, माना कि मैंने y का मान क्या ले लिया है, 4 ले लिया, तो x का मान क्या हो जाएगा आपके, 5 × 4 माइनस 4 बटा 2, बस पहले 2 लिया था, 2 और ये 2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, अब ये हो गया 5 × 20 और ये 4 बटा 2, 16 बटा 2 कितना आएगा आपके, 8 आएगा, ये तो 8 आ गया। अगर हम ये नहीं भी करते ना, अभी जो मैंने किया था वो फिर यहाँ से लिख देना, माइनस 2 3 और 8 ये ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, इसमें देख लो ये x और y में y के पास सिंगल 1 है और इसके पास 2 है, ये नंबर थोड़ा बड़ा है, उसको उधर भेज देंगे, तो y का मान क्या आ जाएगा, 8 को भी उधर भेज दो, प्लस बन जाएगा, और ये उधर भेजेंगे किस में आ जाएगा आपके, माइनस हो जाएगा। अब बनाएंगे इसके लिए हम एक टेबल, एक का नाम है x और ये हो गया आपके y। अब हमें यहाँ पर ये जो टेबल दे रखी है, यहाँ पर आपको इसका मान कुछ मानना है,
या तो एक मानो या दो मानो, कुछ भी मान लो। यहाँ क्या है कि तो कुछ भी ऐसा दिया हुआ नहीं, मतलब यहाँ भाग में कुछ भी नहीं है, तो मर्जी है जो ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर एक मान लो, या फिर यहाँ पर दो मान लो, या फिर यहाँ पर आप तीन मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यहाँ तो भाग था ना, थोड़ा सोचना पड़ता एक नंबर के लिए। अब यहाँ भाग में कुछ है ही नहीं, यहाँ तो भाग देना था कि अभी उत्तर कहीं पॉइंट में नहीं आ जाए। यहाँ तो ऑलरेडी आपके जो संख्या है ना, यहाँ भाग में है ही नहीं, तो भाग देना तो है नहीं, तो केवल माइनस ही करना है। तो आराम से कर सकते हैं, उत्तर पॉइंट में आएंगे नहीं वैसे ही। तो यहाँ पर देखो इधर क्या है, एक्स है, तो मैंने एक्स की जगह एक दो तीन लिखा है। पहले उधर वाई था, तो मैंने वाई की जगह लिखा था। इस बार एक्स की जगह आ रहा है एक दो तीन, तो हम लिखेंगे एक्स का क्या लिखेंगे, एक दो तीन ऐसा लिखेंगे। माना मैंने एक्स का मान एक माना, या एक्स का मान मैंने क्या माना, दो माना, या एक्स का मान मैंने क्या माना, तीन। आप चाहो तो वाई को उधर भेज देते, एक वाई को उधर भेजते क्या होता, ये दो गुणा से भाग में जाता। फिर आपको यही सोचना पड़ता, फिर इससे अच्छा है इसको उधर भेज दिया। अब घटाओ, आठ माइनस दो छः, ये आ जाएगा यहाँ पर छः। आठ माइनस दो दूनी चार, ये आ जाएगा चार। आठ माइनस दो तिया छः, कितना आ जाएगा आपके दो। तो उत्तर आया है छः चार दो। या फिर वो मेथड लगा सकते हैं, देखो वाई का मान क्या होगा, एक्स की एक्स के पास लिखा हुआ दो दो कम होगा, तो देखो दो दो कम हो रहा है। और एक्स का मान क्या होगा वाई के, देखा वाई में क्या है, प्लस का वन है, एक एक बढ़ता रहेगा, एक एक बढ़ता रहे, तो दोनों स्थिति ले सकते हैं। अब वही दो इक्वेशन लेकर हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। सबसे पहला आता है ये वाला, वैसे दो से ही बनाओ तो भी काम बन जाएगा, ठीक है, जरूरत नहीं है चार पाँच बनाओ जितनी है। माइनस टू और जीरो, तो ए रहा माइनस टू और वाई का जीरो है ना, इधर का है ना इधर का, इसी लाइन पर। जब भी किसी में एक में जीरो आता है तो जहाँ नंबर दे रखा है, एक्स में नंबर दे रखा है तो एक्स वाला लाइन पॉइंट लिख दो, और वाई पर नंबर दे रखा तो वाई पर, क्योंकि एक जीरो है। फिर है थ्री टू, ये रहा थ्री और इधर है ये, इधर से तो थ्री लेना है, इधर से टू लेना है, यहाँ मिलेगा, इसे बोलेंगे थ्री टू, और इसे क्या बोलेंगे, माइनस का टू और जीरो। थर्ड है एट फोर, वो थोड़ा इधर आएगा, नहीं लिखो तो भी चल रहे, वैसे भी लाइन उधर ही जाने वाली। फिर है अगला है वन सिक्स, एक्स का तो वन और इसका क्या है आपके सिक्स, ये रहा। फिर है आपके टू फोर, टू फोर कहाँ पर आता है, ये रहा टू और ये रहा फोर। फिर आता है थ्री टू, यहाँ पर ही आता है सेम, तो ये क्या कहलाएगा आपके सिक्स वन, या वन सिक्स कहलाता है, और ये कहलाता है आपके टू फोर। दोनों लाइनें हैं, दोनों लाइनों को मिला लो, जैसे यहाँ पर इस लाइन को मिलाएंगे, सही ढंग से मिलाना है। ये वाला पॉइंट आपके यहाँ आएगा, ये रहा टू और ये रहा फोर, ग्राफ होगा तो सही ऐसे मिलेगा। दूसरा मिलेगा आपके ऐसे, ये ऐसे चौदह को थोड़ा सा ऊपर लिख दो, ये आ जाएगा थ्री टू। इसका मतलब जहाँ मिलता ना, इसका मतलब ये आंसर है, मतलब एक्स का वैल्यू थ्री है और वाई का वैल्यू कितना है, टू है, ये वाला। अब चौदह लाइनों के नाम लिख सकते हो, ये जो अभी आया था ना, ये नंबर जो भी। अब यहाँ पर देखो मैंने हर एक में एक एक का ही गैप लिया है, तो आप चौदह पैमाना लिख सकते हो, एक्स की लाइन पर हमने, एक्स अक्ष पर हमने एक सेंटीमीटर में कितना लिया है, एक इकाई लिया, और इधर भी हमने क्या लिया है, एक एक का ही गैप लिया है, हर सेंटीमीटर में हमने एक एक गैप ले दिया, क्या आएगा एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई। ऐसे पैमाना लिखना है, पैमाना के भी आपको आधा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट दे रखा ये वाला, एक क्वेश्चन और ऐसा ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको और ही हो जाए, जो दोनों ईजी लगे ना उसको उधर भेज, जैसे मान लो ये ईजी है टू, तो थ्री को उधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या आएगा आपके टू वाई इजिकल टू दो वाई बराबर बारह माइनस तीन एक्स, उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, उधर भेज देंगे। अब ये गुणा है तो हो जाएगा आपके भाग में, वाई का मान आएगा बारह माइनस तीन एक्स बटा दो। अब हम इसके लिए बनाएंगे एक टेबल, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाया, दो में ही काम चल जाता है, वैसे सही ढंग से बनाएंगे तो दो में ही काम बन जाता है। अब उधर x है, तो आपको x का मान मानना, माना कि मैंने यहाँ पर जीरो मान लिया,
क्या मान लिया ऐसे एक तरफ से मान लेते जीरो, जीरो करेंगे क्या होगा, ये नंबर हट जाएगा और 12 में 2 का भाग आराम से जाएगा। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, एक्स क्या लेते हैं, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे। ऐसा लिखना है, माना मैंने एक्स की जगह क्या मान लिया है, जीरो मान लिया। तो ये वाई का मान कैसे आएगा, 12 माइनस 3, जहाँ जहाँ आपके क्या दे रखा है, ये वाई एक्स दे रखा है, वहाँ क्या लिखना है आपको, जीरो लिखना है। ये एक बार यहाँ लिखना है और आगे और लिखना है, 12 माइनस 3 कोष्टक बटा 2। बस आपको एक्स जगह खाली जगह छोड़नी है। एक बार जीरो ले लिया, अब अगली बार क्या लेंगे, इसमें भाग में जो नंबर है ना वो लेना है। यहाँ जीरो है, यहाँ कितना है, 2 है, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, माना मैंने एक्स का मान क्या ले लिया, 2। जितना भाग में संख्या है वो संख्या लेनी, 0 और 2 कितने होते हैं, 2, तो मैंने लिख दिया 2। अब मैंने यहाँ पर एक बार 0 माना और अगली बार मैंने क्या माना है, 2 माना है। इसको हल करो, क्या आएगा, 12 माइनस 0 बटा 2, 12 बटा 2 कितना आ गया आपके, 6, यह आ गया 6। अगला है आपके 12 माइनस 3 दूनी 6 बटा 2, कितना होता, 12 में 6 गए 6 बटा 2 कितना आया आपके, 3, यह आ गया 3। अब तो चेक कर सकते हो, y का मान x के पास लिखा -3 -3 होगा, y का मान क्या होगा, -3 -3, तो y का मान -3 हो रहा है, और x का मान y के पास लिखा +2 होगा, y का मान जब +2 हुआ, ऐसे भी चेक कर सकते हो। 2 ही खूब है, जितना भी करोगे तो लाइन तो एक ही बनने वाली है, तो आपको 2 ही ज़्यादा है, बहुत ऐसे 2 से भी काम बन जाता है। वैसे भी बुक में भी, एग्जाम्पल में भी, उदाहरण में भी, सब में क्या दे रखा है, 2-2 नंबर ही दे रखे हैं। फिर ये वाला करते हैं, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर बड़ा है, उसको उधर भेज दो, तो माइनस का कितना है आपके, 2y = 4, और ये प्लस का है, हो जाए उधर जाते किस में आ जाएगा, माइनस का। चाहो तो सबके चिन्ह बदल दो, क्योंकि आगे क्या आ रहा है आपके, माइनस आ रहा है। इसमें क्या है देखो आपके, ये अगला वाला माइनस में आ गया, हम क्या करेंगे, इसके चिन्ह बदल देंगे, सबके बदलेंगे, एक कर सबके बदलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपके प्लस का, ये जो माइनस का दिख रहा है ना वो क्या हो जाएगा, प्लस का, और जो प्लस का है वो किस में आ जाएगा, माइनस का। हमने सबके चिन्ह बदल दिए, अब ये गुणा किस में आ जाएगा, भाग में, तो वाई का मान आएगा 5x - 4/2। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल, एक में लिखेंगे यहाँ पर x और यहाँ लिखेंगे y। अभी जो बताया था पिछले वाला क्वेश्चन सेम वही है, अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, 0 लूँ, क्या लूँ यहाँ पर, अगर 0 लेते हैं तो 4 में 2 का भाग जाएगा, तो मुझे यहाँ पर x का मान लेना है, वो भी 0 लेना है। ऐसा लिखेंगे, माना x का मान मुझे क्या लेना है, 0 लेना है। अब यहाँ बनाएंगे वो टेबल जैसे हमने यहाँ बनाया था सेम, क्या लिखेंगे, y = 5 * -4/2 और y = 5 * -4/2। अब यहाँ पर x का मान मैंने लिया था 0, यहाँ कितना लेंगे, ये नंबर में ये नंबर जोड़ देंगे, 0 और 2 कितना होता है, 2 ले लेंगे। तो मैंने जहाँ x लिखा था वहाँ मैंने 0 और 2 लिखा, अब बताओ y का मान ज्ञात करना है, तो ये गुणा करने पर 0 होगा -4/2 कितना हो जाएगा, -2/2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके -1। अब यहाँ पर ये 4 है ना, 2 लिख दिया, कितना है, -2 हो जाएगा। अब ये वाला 5 × 10 - 4/2 6/2 कितना हो जाएगा आपके, 3, तो ये हो जाएगा 3। तो ऐसे हमें टेबल बनानी है, पहले ये लिखो, अब इधर ग्राफ बनाना है इसका, वही 2 पॉइंट जो हमने बनाए थे पहले, 0-6 है, तो 0-6 को मतलब आपके या तो आएगा x की लाइन पर, या आएगा y की लाइन पर, या y का वैल्यू दे रखा है तो y की लाइन पर आएगा यहाँ पर ये। अगला है 2-3, तो x का मान है 2 और y का मान कितना है आपके, 3, ये यहाँ आएगा 2 और 3, और ये आएगा आपके 0 और 6, 0 और -2 ये यहाँ लिखते थे 2 और 3, फिर ये है 0 और -2, ये रहा यहाँ पर आएगा,
जीरो और माइनस का टू, क्योंकि जीरो है तो एक्स की लाइन पर है, इधर यहाँ वाई लिखा हुआ ना, माइनस टू इधर आएगा। मान लो कि ये वन है और ये कितना है माइनस टू, तो ये यहाँ पर आएगा जीरो और माइनस का टू। अगर एक्स का मान माइनस टू होता ना तो इस पर लिखता, जैसे यहाँ पर जीरो है तो भी इस लाइन पर आया, यहाँ आगे जीरो यहाँ आएगा, फिर आगे दो तीन, ये रहा दो तीन, तो आपको दोनों में मिलाना है। पहले मिलाएंगे इधर से, ये वाली वो पहली लाइन है, वो पहला समीकरण से बनने वाली, और ये है आपके दूसरे समीकरण से बनने वाली लाइन, और ये क्या होगा इन दोनों का ही उत्तर। तो ये हो गया आंसर, x का y दो और y का वैल्यू कितना है आपके थ्री। यहाँ लिख देना ये एक सेंटीमीटर क्या आएगा आपके एक यूनिट, एक गैप लिया हमने, और यहाँ भी आएगा एक यूनिट, उसे बोलते हैं इकाई, एक इकाई लिख सकते हो स्केल। इसका भी ग्राफ बनाना है, ये भी तो इसी मेथड, वही मेथड अपनाना है आपको शॉर्ट में, इसको उधर भेज दो तो क्या आएगा 4x बराबर 20 प्लस 5y। अब ये गुणा किसमें हो जाएगा भाग में, x का मान आएगा 20 प्लस 5y बटा 4। अब यहाँ बनाएंगे इसके लिए हम टेबल, ज़्यादा नहीं बनाने, दो मान लेके भी बना सकते हैं तो हम दो ही लेंगे। अब अगर यहाँ पर जीरो होता तो ये हट जाता और 20 में 4 का भाग आराम से चला जाता, तो हम क्या लेंगे जीरो, हर बार पहले जीरो लेकर ट्राई करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमें x का मान क्या लेना है जीरो लेना है, और अगली बार क्या लेना है जो भाग में नंबर है उतना गैप लेना है। अगर मैंने यहाँ जीरो लिया है तो अगला नंबर क्या आएगा 4 जोड़कर, तो क्या आएगा 4। ऐसा लिख रहा है, माना मैंने x का मान क्या माना है जीरो, माना मैंने x का मान क्या माना है 4, जितना भाग में होता है उतना गैप ले लो। अब क्या आएगा x बराबर 20 प्लस 5 और y का मान बटा 4, लेकिन यहाँ y है ना इधर, तो हमें y का मान मानना है ना कि x का मान मानना, ये गलती मत करना, क्योंकि अगर y है ना तो y का मान मानना पड़ेगा, तो मेरे y का मान क्या माना है 0 और 4, 20 प्लस 5 बटा क्या आ जाएगा 4, तो एक बार लेना है 0 और एक बार क्या लेना है 4, क्योंकि जितना भाग में होगा उतना ही आपको ऐड करना है, जितना डिवाइड में है उतना ही आपको ऐड करना है। अब इसका आंसर क्या आएगा आपके 20 प्लस 0 बटा 4, गुणा करने पर 0 आता है, ये कितना आ जाएगा 20 बटा 4, उत्तर आ जाएगा 5, ये लिख देंगे 5। अगला ये वाला 20 प्लस 20 बटा 4, क्योंकि ये भी 20 हो गया 5 और 20, ये हो गया 40 बटा 4, बराबर हो जाए कितना आपके 10, ये आया 5 ये आया 10। ये देखो x का मान 5-5 बढ़ेगा और y का मान 4-4 बढ़ेगा, तो देखो y का x में 4-4 बढ़ रहा है, आगे और बनाओ तो बना लेना 5, 10, 15, 20, 25, तो यहाँ क्या आएगा 0, 4, 8, 12 ऐसा आता रहेगा, यहाँ आएगा 4 का पहाड़ा और यहाँ आएगा 5 का पहाड़ा, आगे आगे चलता रहेगा। अब हम ये लेंगे, इसमें क्या है देखो आपके जो प्लस का है जो भारी है ना उसको उधर भेज दो, तो 15 है ये उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5y, ये गुणा किस में हो जाएगा भाग में, x का मान आएगा 15 माइनस 5y बटा 3। अब इसके लिए बनाएंगे टेबल, दो से ही काम बन जाता है, आप चाहो तो ज़्यादा ले सकते हो आपकी इच्छा पर है, चाहो तो पूरी टेबल बना दो, नीचे लिखते जाओ बनाते जाओ करते जाओ, हमें दो से काम बन रहा है तो फिर 3-4 ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर आपके y का मान लेना है, अगर यहाँ जीरो होता तो 15 में 3 का भाग आराम से चला जाता, जाता है 15 में 3 का भाग 5 बार, इसलिए हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब अगले अब आगे क्या आएगा भाग में कितना है 3 है, तो 3-3 का गैप आएगा तो 3 का पहाड़ आएगा आगे से आगे। अब आप चाहो तो 0, 3, 6, 9 लिखते जाओ। अब यहाँ पर लिखना है, माना मैंने y का मान क्या माना, पहले तो 0 माना था,
फिर मैंने बाद में भाई का मान क्या माना, 3 मान लिया, जो जो संगे बाद में ना वो गैप लेना, या बाद में 4 था तो 4 का गैप लिया, 3 है तो 3 का गैप लेंगे। अब यहाँ आएगा x बराबर 15 माइनस 5 कोष्टक बटा 3, x बराबर 15 माइनस 5 कोष्टक बटा 3, जहाँ जहाँ y है मुझे एक बार 0 लिखना है, एक बार 3 लिखना है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 3। अब हल करो, 15 माइनस 5 बटा 3 10, 0 है ना, तो 15 बटा 3 तो कितना है आपके 5। अब आगे लिखेंगे 15 माइनस 15 5 या 15 होते हैं बटा 3, 0 बटा 3 तो कितना है आपके 0, तो यहाँ आएगा आपके 5 और यहाँ क्या आएगा 0। अब देखो ये 5 था, अगला मान क्या आएगा, x का मान क्या होगा, 5 कम होगा, तो 5 था 5 कम हो गया 0। आगे क्या आएगा, माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 20 माइनस 25 ऐसा आएगा, और ये मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 ऐसा ये बढ़ता जाएगा और ये घटता जाएगा। अब आपके ऊपर है कितनी लंबी लाइन लो, 2 में काम बनता है तो 2 ही ठीक है। सबसे पहले करते हैं देखो, इसको बनाएंगे 5 0, इसका उत्तर हमने कभी निकाला अभी, 5 0 कहाँ आता, x का मान 5 है ये रहा, और 0 है तो यही आएगा। अगला है आपके 10 4, 10 4 कहाँ पर आ रहा है आपके, ये रहा 10 और ये इधर है आपके 4, ये आ गया है आपके 10 4 आ जाएगा, ये तो है 10 4 और ये क्या है आपके 5 0 है, तो यह क्या आएगा आपके 5 और 0। अगला भी यहीं पर है 5 0, यहाँ पर ही तो ये उत्तर है, दूसरा 0 3, तो ये रहा 0 3, ये आएगा 0 3। अब इसको मिला लो, अब इसको तो मिला लेंगे, और इसका नाम क्या होगा, इस लाइन का नाम ये है 3x प्लस 5y बराबर 15, तो इधर से मिलाएंगे इस लाइन को, और यहाँ आ जाएगा इसका नाम 4x माइनस 5y बराबर 20, और ये कहलाएगा इसका आंसर जो होगा आपके 5 0, x का मान 5 y का मान 0। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।